हेलो फैंस, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं डू नॉट डिस्टर्ब के बारे में। जैसे कि हम डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फैंस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैंस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फैंस सेटिंग पर। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और साउंड एंड वाइब्रेट वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब पे जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा डू नॉट डिस्टर्ब ऑन है। और फैन देख सकते हैं आप इसे ऑन क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जब भी आपका फ़ोन आपको डिस्टर्ब करता है, यानी कि आप ऑफिस वगैरह बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं और एकदम से आपका फ़ोन आपको डिस्टर्ब कर देता है, यानी कि कॉल वगैरह आ जाता है और आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन आपको डिस्टर्ब ना करे, तो आप डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका फ़ोन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और फैंस, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो एक और तरीका है, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग पर जाना है और आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है डू नॉट डिस्टर्ब, तो यहाँ पर शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑन करके यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आता तो एक और तरीका है, ऊपर की साइड से स्क्रॉल करेंगे, इधर की साइड जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखने लगता है डू नॉट डिस्टर्ब, तो इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आपका ये ऑन हो जाएगा, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फैन वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।